हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स और इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम यूनिट में कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, एज शोन इन फिगर बीम एसी इज सपोर्टेड बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड बाय केबल्स बीई एंड एडी। इफ एफएम इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर मीटर एंड पीएम इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर मीटर, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्स अलोंग एसी। तो देखिए, क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ये एक थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि बीम एसी, ये देखिए यहां पे बीम एसी है, इट इज सपोर्टेड बाय अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए यहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और यहां पे दो केबल्स दिए हैं, एक है बीई और दूसरा है एडी। क्वेश्चन में फोर्स मल्टीप्लायर दिया है, फोर्स पी का फोर्स मल्टीप्लायर दिया है पीएम जो कि 20 न्यूटन पर मीटर दिया है, और फोर्स एफ का फोर्स मल्टीप्लायर एफएम जो कि 10 न्यूटन पर मीटर दिया है। और यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्स अलोंग एसी। तो ये दोनों फोर्सेस का कंपोनेंट अलोंग एसी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। यहां पे ए बी सी डी और ई, ये पांच पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। देन आफ्टर हम इसका सॉल्यूशन बनाना शुरू करेंगे। और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के टॉपिक में किए थे। थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम के इसके पहले हमने 7 प्रॉब्लम्स लिए थे, उसमें हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किए थे। और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम प्रॉब्लम में जहां पे भी इस टाइप का डायग्राम था वहां पे भी हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे। तो जो टेक्निक वहां यूज किए थे वही टेक्निक हम यहां पे यूज करने वाले हैं। इसके पहले का टॉपिक अगर आपने नहीं स्टडी किया है तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो इसके भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक दैट इज कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। देन इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ अ फोर्स, लेकिन उसके लिए आपको कंपोनेंट समझना जरूरी है। तो चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए पॉइंट ए। लेकिन एक काम करेंगे, गिवन डाटा हम सबसे पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्स पी का फोर्स मल्टीप्लायर पीएम दिया है कितना, 20 न्यूटन पर मीटर, और फोर्स एफ का फोर्स मल्टीप्लायर एफएम दिया है 10 न्यूटन पर मीटर। और अब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का टेक्निक क्या है, देखिए जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है ओरिजिन से वो पॉइंट की तरफ आपको चलना होता है। ओरिजिन कहां पे है, देखिए यहां पे ओरिजिन है, तीन एक्सिस यहां पे है, ये थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है तो तीन एक्सिस रहना तय है। तो यहां पे तीन एक्सिस है, देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तीनों जहां मिली है वो है ओरिजिन। ठीक है, अगर आप ओरिजिन से इधर जाएंगे तो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे, इधर गए तो प्लस एक्स एक्सिस, इधर गए तो माइनस एक्स एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर गए तो प्लस वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे गए तो माइनस वाई एक्सिस, ओरिजिन से इधर गए तो प्लस जेड एक्सिस, ओरिजिन से उधर गए तो माइनस जेड एक्सिस। बस आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं ये आपको बस चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ओरिजिन से वो पॉइंट की तरफ आपको ट्रेवल करना है। तो हमें सबसे पहले पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, देखिए ये पॉइंट ए है, तो हमें ओरिजिन से अपनी जर्नी स्टार्ट करना है, ओरिजिन से पॉइंट ए की तरफ चलो। ठीक है, और कौन से एक्सिस के अलोंग जा रहे वो आपको चेक करना है। देखिए ओरिजिन से आप यहां तक गए कितना आ गया, यहां से यहां तक आप 8 मीटर गए, ये 4 मीटर 4 मीटर कितना हो गया, यहां से यहां तक 8 मीटर। कौन से एक्सिस के अलोंग गए, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग गए, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो गया 8। ठीक है, ओ से लेके ए तक आप पहुंच गए, अब आप वाई एक्सिस के अलोंग नहीं गए, जेड एक्सिस के अलोंग भी नहीं गए, तो वाई कंपोनेंट 0, जेड कंपोनेंट भी 0, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 800। ठीक है, चलो अब बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट्स में कंफ्यूजन था तो देखो बी में वो क्लियर हो सकता है। देखो फिर से हम जर्नी ओ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से हमें बी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ओरिजिन से हमें जर्नी स्टार्ट करना है। तो पहले हम इधर जाएंगे 4 मीटर, फिर नीचे आएंगे 5 मीटर। ठीक है,
तो देखिए ओरिजिन से इधर जा रहे 4 मीटर, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 4 मीटर गए, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो गया पॉजिटिव 4। देन ओरिजिन से देखिए यहां से यहां आ गए 4 मीटर, देन यहां से नीचे जाएंगे, यहां से हम नीचे जा रहे, इट मींस नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे, दैट इज माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो वाई कंपोनेंट हो गया -5। हमने आपको कहा था ऊपर गए तो प्लस वाई, नीचे गए तो माइनस वाई, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले यहां से इधर गए प्लस एक्स के अलॉन्ग, तो एक्स कंपोनेंट प्लस हो गया, अब यहां से नीचे जा रहे इट मींस माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, इसलिए वाई कंपोनेंट माइनस में 5 मीटर। बी तक पहुंच गए, जेड के अलॉन्ग गए क्या, नहीं, तो जेड कंपोनेंट हो गया 0, तो फाइनली बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 - 5 = 0। और अब सी के कोऑर्डिनेट्स, देखो सी के कोऑर्डिनेट्स हम यहां निकालेंगे, अगर आपको ए और बी में कंफ्यूजन था तो देखो सी में वो क्लियर हो सकता है। सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, टेक्निक वही है, आपको जर्नी ओ से स्टार्ट करना है, देखिए ओ यहां पे है, सी यहां पे है, तो ओ से आपको सी की तरफ जाना है, तो ओ से सी की तरफ आप जाएंगे, यहां से सीधा नीचे आना है, सीधा नीचे आना है कितना मीटर, 10 मीटर। ओ से आप ऊपर गए तो प्लस वाई, ओ से नीचे गए तो माइनस वाई, और आप ओ से नीचे आ रहे हैं तो आप माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग 10 मीटर नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब इसका वाई कंपोनेंट हो गया -10, एक्स कंपोनेंट 0, जेड कंपोनेंट 0, क्योंकि एक्स और जेड के अलॉन्ग नहीं गए इसलिए, ठीक है, तो ओ से आप सीधा माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग नीचे जा रहे हैं, इसलिए वाई कंपोनेंट -10, एक्स और जेड 0, तो ये हो गया सी के कोऑर्डिनेट 0 - 10 = 0। अब हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलते हैं, डी कहां पे है, देखिए डी यहां पे है, तो ओ ओरिजिन से हमें जर्नी स्टार्ट करना है, ओरिजिन से हमें इधर जाना है, कितना मीटर जाना है, 3 मीटर, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं चेक करो, देखो ओरिजिन से इधर गए तो प्लस जेड, ओरिजिन से उधर गए तो माइनस जेड, तो आप कहां जा रहे हैं, ओरिजिन से इधर जा रहे हैं, इट मींस माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे, कितना मीटर जा रहे, 3 मीटर, माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग 3 मीटर, इसका मतलब इसका जेड कंपोनेंट हो गया -3, और आप डी तक पहुंच गए, आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं गए तो एक्स कंपोनेंट 0, वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं गए तो वाई कंपोनेंट भी 0, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 - 3। और अब ई के यहां पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, लास्ट ई के कोऑर्डिनेट्स, ई कहां पे है, ये देखिए ई पॉइंट यहां पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, जर्नी फिर से ओ से स्टार्ट करना है, तो ओ से पहले इधर आओ फिर ऊपर जाओ, ठीक है, ओ से जब आप इधर जा रहे हैं तो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, यहां से इधर 6 मीटर, ठीक है, प्लस जेड एक्सिस, इधर जेड एक्सिस पॉजिटिव है तो प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग 6 मीटर गए, इसका मतलब इसका जेड कंपोनेंट हो गया 6, ठीक है, ठीक है, यहां से यहां तक 6 आ गए, अब यहां से आप ऊपर जा रहे हैं, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ये वाई एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, वाई एक्सिस ऐसा है, इसको एक्जैक्टली पैरेलल ये 3 मीटर है, तो आप यहां से ऊपर जा रहे हैं, इट मींस आप पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर जा रहे हैं, तो वाई कंपोनेंट कितना हो गया यहां पे 3, और आप ई पे पहुंच गए, एक्स के अलॉन्ग नहीं गए तो एक्स कंपोनेंट 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 3, 6, ठीक है, ये जेड के अलॉन्ग और ये वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग 6 इसलिए जेड कंपोनेंट 6, ये वाई के अलॉन्ग 3 इसलिए वाई कंपोनेंट 3, ई पे पहुंच गए, एक्स के अलॉन्ग नहीं गए तो एक्स कंपोनेंट 0। तो फाइनली सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पे हमने फाइंड आउट कर लिए, ये कोऑर्डिनेट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये कोऑर्डिनेट्स में एक भी डिजिट अगर ऊपर नीचे हो गया तो पूरा प्रॉब्लम आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए थ्री डायमेंशनल फोर्स सिस्टम में आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो फाइनली हमने कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट कर लिए, अब हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्स अलोंग एसी, यहां पे दो फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस का हमें कंपोनेंट अलोंग एसी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों फोर्सेस का वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, फोर्स पी और फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, देन आफ्टर एसी के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, तो हम एसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, एक बार एसी का यूनिट वेक्टर मिल गया फिर उसका यूज करके हम कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं कैसे, सबसे पहले फोर्स पी का हम वेक्टर इक्वेशन बना लेते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज पी बार, हम यहां लिखेंगे पी बार, फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन दैट इज वेक्टर पी, या बोलो पी बार, तो फोर्स पी कहां से कहां जा रहा है वो आपको चेक करना है, फोर्स पी इज एक्टिंग फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी जा रहा है तो डी माइनस ए करो, ये सेंडिंग एंड है ये रिसीविंग एंड है, तो रिसीविंग एंड माइनस सेंडिंग एंड करना होता है, तो ए टू डी जा रहा है तो डी माइनस ए करना है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, डी के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, -3, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8, 0, 0, तो ये हमने फोर्स पी के लिए ऐसा डी माइनस ए कर लिए, और ये डी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ये ए के कोऑर्डिनेट्स हमें करना है, कोऑर्डिनेट्स यहां पे है वही हमने यहां लिख दिए। अब हमें क्या करना है, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड ऐसा करना है, और उसमें आई जे के लगा के वेक्टर इक्वेशन तैयार करना है, तो हम बनाएंगे 0 - 8, तो ये हो गया माइनस ऑफ 8 आई,
जीरो माइनस ऑफ जीरो इट मीन्स जीरो जे, तो उसको इग्नोर करो, माइनस ऑफ थ्री माइनस ऑफ जीरो तो ये हो गया माइनस ऑफ थ्री के। तो फाइनली ये हमने फोर्स पी बार का वेक्टर इक्वेशन बना रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। फोर्स पी का फोर्स मल्टीप्लायर कितना दिया है, फोर्स पी का फोर्स मल्टीप्लायर 20 दिया है, तो हम इसको फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स पीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एट आई माइनस ऑफ थ्री के, और पीएम का वैल्यू 20 है, तो 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली हमें पी बार का वेक्टर इक्वेशन मिल गया, और अब हम फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन यहां पे फाइंड आउट करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये जो 20 है ये 20 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो। फिलहाल हम 20 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर आपने मल्टीप्लाई किए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको बाहर ही रहने देंगे तो भी चलेगा। लेकिन इसके पहले जो हमने रिजल्टेंट का टॉपिक पढ़े थे, रिजल्टेंट के टॉपिक में हमने जब ऐसा वेक्टर इक्वेशन बनाए थे तब हमने फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किए थे। वो हमने इसलिए किए थे क्योंकि वहां पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय आई जे के का एडिशन करना होता है, इसलिए फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना होता है। आज हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है क्या, नहीं, आज हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाहर भी रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपोनेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आपने मल्टीप्लाई किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये हमने फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन बना लिए, बिल्कुल इसी तरह से फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन हम बनाएंगे। तो फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन बनाते समय फोर्स एफ कहां से कहां जा रहा है चेक करो, फोर्स एफ इज एक्टिंग फ्रॉम बी टू ई, बी टू ई जा रहा है तो ई माइनस बी करो, हम यहां पे लिखेंगे ई माइनस बी, ई के कोऑर्डिनेट से हम यहां पे लिखेंगे ई के कोऑर्डिनेट से 0 3 6 माइनस बी के कोऑर्डिनेट से दैट इज 4 माइनस 5 0, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड करना है, तो ये क्या होगा 0 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4 आए, 3 माइनस ऑफ माइनस 5 तो ये हो गया प्लस ऑफ 8 जे, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 5 है तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5 दैट इज 8 जे, देन 6 माइनस ऑफ 0 तो ये होगा प्लस ऑफ 6 के। तो ये हमने फोर्स पी का वेक्टर इक्वेशन बना रहे, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें इसको फोर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। फोर्स मल्टीप्लायर होता है एफ एम, ठीक है, फोर्स एफ का फोर्स मल्टीप्लायर एफ एम, वो दिया है 10, तो वो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ 4 आए प्लस ऑफ 8 जे और प्लस ऑफ 6 के, और यहां पे हम लिखेंगे 10, और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको बाहर ही रहने दो। तो ये हमने फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन यहां बना लिए। इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे रिजल्टेंट के, वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर का डायरेक्टली वैल्यू दिया नहीं था, ये प्रॉब्लम में फोर्स मल्टीप्लायर का डायरेक्टली वैल्यू दिया है। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया था, फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड, फोर्स पी का मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड दिया था, फिर हमने वो मैग्नीट्यूड का यूज करके फिर हमने फोर्स मल्टीप्लायर फाइंड आउट किए, फिर हमने उससे मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन यहां पे डायरेक्टली फोर्स मल्टीप्लायर का वैल्यू दिया है, तो ये अच्छी बात है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो जनरली हमें फोर्स मल्टीप्लायर पहले फाइंड आउट करना होता है, अंडर रूट करके यहां फाइंड आउट करना होता है, देन हमें मल्टीप्लाई करना होता है, इस तरह से होता है, लेकिन यहां पे ऑलरेडी दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए फोर्स पी और फोर्स एफ का हमने वेक्टर इक्वेशन तो बना लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे ये जो एसी है बीम एसी, इसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। इसका हम यूनिट वेक्टर क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसी के अलोंग हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। इसीलिए रूल ऐसा है कि जिसके अलोंग कंपोनेंट फाइंड आउट करना है उसका पहले यूनिट वेक्टर निकालो, देन आफ्टर कंपोनेंट निकालो। तो हम यूनिट वेक्टर ऑफ एसी निकालेंगे, एसी का यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है देखिए, तो हम यहां पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एसी। इसको कैसे शो करते हैं देखिए, यहां पे हम लिखेंगे एन एसी, देखो ये स्मॉल एन है, एन एसी इट मीन यूनिट वेक्टर ऑफ एसी। तो इसका फॉर्मूला ऐसा है, एसी बाय मॉड ऑफ एसी। देखिए ये जो हमने लिखा है इसके तरफ आप ध्यान दो, ये नया फॉर्मूला है आपके लिए, यूनिट वेक्टर ऑफ एसी, जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है वो आपको ऊपर लिखना है, उसका वेक्टर इक्वेशन ऊपर लिखना है, और उसका जो डिटरमिनेंट है वो आपको नीचे लिखना है। तो एसी बाय मॉड ऑफ एसी, मॉड ऑफ एसी मतलब एसी का डिटरमिनेंट, इसका मतलब अंडर रूट करके जो भी हमें उसका आंसर मिलता है वो हमें यहां नीचे लिखना है। तो चलो सबसे पहले न्यूमरेटर में एसी का वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं, एसी बाय मॉड ऑफ एसी। अब ये कैसे बनाएंगे देखिए, न्यूमरेटर में एसी है तो एसी मतलब क्या होता है, सी माइनस ए होता है, एसी मतलब सी माइनस ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एसी। डिनोमिनेटर में जो मॉड ऑफ एसी है वो एज इट इज रहने दो, बस न्यूमरेटर को आपको पहले सॉल्व करना है, इट मीन न्यूमरेटर में पहले वेक्टर इक्वेशन तैयार करना है। अब हम यहां पर क्या करेंगे देखिए, न्यूमरेटर में वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, उसके लिए देखो यहां पे क्या है, c माइनस ए है
तो C के कोऑर्डिनेट्स है 0 माइनस 10 0 माइनस A के कोऑर्डिनेट्स है 8 0 0 और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ AC। ये मॉड ऑफ AC फिलहाल एज इट इज रहने दो, ऊपर इक्वेशन बनेगा तब जाके हम नीचे मॉड लेंगे। C माइनस A करना था तो ये देखिए ये C के कोऑर्डिनेट्स माइनस ये A के कोऑर्डिनेट, तो चलो हम यहां पे x माइनस x y माइनस y z माइनस z करके इक्वेशन बनाएंगे। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा देखिए हम यहां पे लिखेंगे, तो 0 माइनस ऑफ 8 तो ये हो गया माइनस ऑफ 8 आए, देन माइनस 10 माइनस 0 तो ये हो गया माइनस ऑफ 10 j, और 0 माइनस 0 तो ये k जो है उसको हमें इग्नोर करना है, और अब ऊपर वेक्टर इक्वेशन बन गया है, नीचे अब हमें उसका अंडर रूट करना है। तो 8 और 10 का अंडर रूट यहां पे अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ऐसा हमें लिखना है, ठीक है। और अब यहां पे क्या बनेगा माइनस ऑफ 8 आए माइनस ऑफ 10 j, और ये अंडर रूट का आंसर क्या है वो हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आंसर आ चुका है 12.806। तो ये हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में 12.806। तो ये हमने यूनिट वेक्टर ऑफ एसी यहां फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब जिसके अलावा कंपोनेंट फाइंड आउट करना है उसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए, और अब हम आसानी से कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्स अलोंग एसी, दोनों फोर्सेस का कंपोनेंट अलोंग एसी फाइंड आउट करना है, तो चलो सबसे पहले हम फोर्स पी का कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे अलोंग एसी। हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी, तो हम यहां लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी अलोंग एसी। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, देखिए फार्मूला ऐसा रहेगा, दैट इज पी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ एसी। देखो ये फार्मूले की तरफ आप ध्यान दो, काफी सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। पी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ एसी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी अलोंग एसी, पी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ एसी। जब हम फोर्स एफ का कंपोनेंट निकालेंगे तो बस हमें यहां पी के जगह एफ रखना है, तो एफ डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ एसी हो जाएगा। तो ये काफी आसानी से हम सॉल्व करेंगे, फिलहाल हम फोर्स पी का फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए पी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ एसी है। तो चलो पी का वेक्टर इक्वेशन यहां पे लिखते हैं, ये देखिए ये पी का वेक्टर इक्वेशन वो हम यहां लिखेंगे। पी के वेक्टर इक्वेशन में 20 बाहर है, तो यहां लिखते समय हम एक काम करेंगे 20 यहां पे हम बाहर रखेंगे और पी का वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे माइनस ऑफ 8 आए माइनस ऑफ 3k। तो ये देखिए पी का वेक्टर इक्वेशन हमने यहां लिख दिए, और अब इसको डॉट प्रोडक्ट करना है। देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर ऑफ एसी, ये देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ एसी हमारे पास है, तो हम यहां लिखेंगे माइनस ऑफ 8 आए माइनस ऑफ 10j, और डिनोमिनेटर में क्या है डिनोमिनेटर में है 12.806। तो ये हमने इस तरह से लिख दिए p डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ac, ये p का इक्वेशन और ये यूनिट वेक्टर ऑफ ac का वेक्टर इक्वेशन, और अब दोनों के बीच में हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये 20 और ये 12.806 को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है 20 और 12.806 को हम बाहर ले लिए, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, और अब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, तो आपको i डॉट i j डॉट j k डॉट k करना है, इसका मतलब i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन, j का j के साथ और k का k के साथ, लेकिन सिर्फ i का होगा यहां पे क्योंकि इसमें i है इसमें i है, तो i डॉट i होगा, j डॉट j नहीं होगा, k डॉट k भी नहीं होगा क्योंकि इसमें k है इसमें k नहीं है, इसमें j है इसमें j नहीं है, तो जाहिर सी बात है j और k का कैलकुलेशन नहीं होगा सिर्फ i का होगा। i डॉट i करेंगे इट मींस माइनस 8 इंटू माइनस 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 64, ठीक है। और j और k का नहीं होगा क्योंकि इधर k है तो उधर का k जीरो है, उधर j है तो इधर का j जीरो है, तो वो जीरो हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आएगा, न्यूमरेटर में है 20 इंटू 64 और डिनोमिनेटर में है 12.806, तो ये आंसर आ चुका है 99.953। तो हम लिखेंगे 99.953 न्यूटन। तो फाइनली कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी अलोंग एसी फाइंड आउट कर लिए, अब हम सेकंड बिट फाइंड आउट करेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग एसी, बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, बस आपको एक ही चेंज करना है, जैसा हमने कहा था यहां पी के जगह हमें एफ लिखना है, तो यहां पे वेक्टर एफ का इक्वेशन आएगा, वेक्टर एफ का इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन हम यहां लिखेंगे, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग एसी, और बिल्कुल सेम फार्मूला, हमें पी के जगह एफ लिखना है, तो ये होगा एफ डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ एसी, बस ये दोनों का हमें यहां पे वेक्टर इक्वेशन लिखना है और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है। एफ का वेक्टर इक्वेशन हम लिखते समय एफ का देखिए एफ के बाहर में 10 है, तो हम 10 जो है वो यहां पे बाहर रखेंगे और इक्वेशन में माइनस 4 आए
माइनस फोर आए, प्लस ऑफ एट जे और प्लस ऑफ सिक्स के, ये हमने लिख दिए। और अब डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ एसी, यूनिट वेक्टर ऑफ एसी का वेक्टर इक्वेशन हमने यहां पे यूज किए थे, वही हमें यहां लिखना है, माइनस ऑफ एट आए और माइनस ऑफ टेन जे, और डिनोमिनेटर में क्या है 12.806 है, ठीक है। और अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए 10 और 12.806 को बाहर ले लेंगे, क्योंकि वो हमें, हम इसको बाहर ले लेंगे 10/12.806। यहां पे भी हमने वैसे किए थे, 20 और 12.806 बाहर लिए थे, बिल्कुल उसी तरह से यहां पे किए। और अब ये फोर्स एफ का वेक्टर इक्वेशन और ये यूनिट वेक्टर ऑफ एसी का वेक्टर इक्वेशन, इनमें आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के करना है। I डॉट आई हो जाएगा क्योंकि इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो माइनस फोर इंटू माइनस एट कितना, तो ये होगा 32। और अब J डॉट J होगा क्या, यस बिल्कुल होगा, इसमें भी J है, इसमें भी J है, इसमें 8 है, इसमें माइनस 10 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया माइनस ऑफ 80, ठीक है। और K डॉट K नहीं होगा क्योंकि इसमें K है तो उधर का K 0 है, तो उसको इग्नोर करो। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो इसका कुछ आंसर आएगा, वही यहां पे कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 32-80, और इसका आंसर जरूर माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है इधर, तो इनटू 10 और ये डिवाइड बाय 12.806, तो इसका आंसर आ चुका है -37.482, हम लिखेंगे -37.482 न्यूटन। तो फाइनली हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग एसी फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्स अलोंग एसी, तो ये देखिए कंपोनेंट ऑफ फोर्स पी अलोंग एसी ये है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग एसी ये है। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।